दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। नमस्कार, डीएनए हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग अन्वेषी और मेरे हाथ में है ममता जयंत की किताब मनुष्य न कहना। यह कविता संग्रह है और अभी अभी जो शेर मैंने आपको सुनाया, दरअसल वह दुष्यंत कुमार का लिखा हुआ है और इस शेर की याद ममता की एक कविता पढ़ते हुए याद आई उसकी। ममता की कविता है दुख। दुख से भागने की कोशिश में दोहराते हैं हम उसे इतनी बार कि वह और करीब चला आता है। लेते हैं इतनी शिद्दत से नाम कि वह ठहर जाता है, हम ठिठक जाते हैं। जताना चाहता है वह सब जो हम नहीं जानना चाहते। फैलता है दुख का आलोक एक नए रूप में जो हमारी चमक बिगाड़ देता है। दुख की रोशनी का बढ़ना सुखों का धूमिल होना है, नहीं है उसका कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान भी नहीं। एक बड़ी नकार के बाद भी बसा रहता है जेहन में किसी आंतरिक शक्ति की तरह। दुख जब जब बढ़ा, मन प्रार्थना की ओर मुड़ा, हर एहसास को जीने का हुनर दुख ने ही दिया। मतलब ये कि ममता मानती हैं कि दुख भी रचता है, मांझता है। ठीक ऐसी ही एक कविता, इससे पहले उनकी एक कविता है, शीर्षक बाद में बताऊंगा क्योंकि शीर्षक पर बात करनी है। वह जब भी आया, भोर में कलरव की तरह आया, उसके आते ही कुहासा छट गया, अंधेरा दूर हो गया, कभी दुख की तरह भड़बड़ा कर नहीं गिरा, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में बदलते मौसम जैसा शांत चेहरों पर मंद मुस्कान की तरह आया। रहा उम्मीद में ज़रूरत से ज़्यादा, शायद इसलिए घना होकर भी थोड़ा नज़र आया। रखना चाहा हर किसी ने बांध कर, पर वह दौड़ गया वक्त की मानिंद तेज़ रफ्तार से। उसका आना आकर ठहरना कभी स्थायी नहीं रहा, उसके संग रहकर भी सदा संशय बना रहा कहीं लौट न जाए। अगर शीर्षक न बताऊं तो यह प्रेम कविता की तरह भी लगता है, लेकिन यह कविता प्रेम कविता नहीं है। इन्होंने शीर्षक दिया है सुख और यहीं इसका राज खुलता है कि कौन आया, किस तरह आया, चुपके से आया, कम समय के लिए आया। यह खूबी, शीर्षक की यह खूबी मैंने अक्सर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में देखी है। देखने को ऐसे ढेर सारे कवि ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस तरह से कविताओं को बताते हैं। सर्वेश्वर की कविता याद आती है, शीर्षक उसका भी मैं बाद में बताऊंगा, हो सकता है कि लाइन कुछ इधर उधर हो। जब सब चलते थे वह पीछे रह जाता था, जब सब खाने पर टूटते थे वह धीरे धीरे टूंगता रहता था, जब सब बेसुध होकर सोते थे वह कोने में टकटकी लगाए देखता रहता था, लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। इस कविता का शीर्षक था पिछड़ा आदमी, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यह बताने की कोशिश की कि वह कहने को पिछड़ा आदमी था, वह लगातार चिंतनशील था, वह चिंतन की मुद्रा में रहता था, वह सोचता था क्या कर गुजरना है। और जब प्रतिरोध का स्वर इनका बढ़ा और स्वर को कुचलने की कोशिश की गई तो यह पिछड़ा हुआ आदमी, जो पिछड़ा कहा जाता था, सबसे आगे सीना तान कर खड़ा हो गया होगा। यह विद्रोही नेचर था। ममता जयंत की कविताओं में भी विद्रोह के तेवर दिखते हैं, लेकिन वह तेवर बहुत सांकेतिक रूप में है। जैसे उनकी एक कविता इशारा करती है राजनीति के आज के परिदृश्य की ओर। वह उस कविता में बताती हैं कि वो चाहती क्या थीं और उन्हें क्या मिला, और वो कविता ईश्वर के नाम से है, यानी ईश्वर को संबोधित है, जैसे लोग अपने आप को ईश्वर मान लेते हैं। आज की राजनीति को लेकर यह कविता है, हालांकि सांकेतिक रूप में है। शीर्षक है तुम भगवान तो नहीं। मैंने रहने को मकान मांगा, तुमने मंदिर दे दिया। मैंने भूख का नाम लिया, तुमने भगवान का जिक्र छेड़ दिया। मैंने विनोद की बात की,
तुमने वंदना का राग अलापा, मैंने अनाज की तरफ देखा, तुमने अर्चना की ओर इशारा किया, मैंने प्रार्थना में प्राण बचाने की मुहिम छेड़ी, तुमने पूजा में समय बिताने की विधि बताई। क्या सचमुच मंदिर, पूजा, अर्चना और वंदना कर सकते हैं पेट की आग को ठंडा? कविता इसके आगे भी जाती है, लेकिन यह कविता कितनी ठोस है, तरल होते हुए भी ठोस है, यानी इस कविता में बहाव है, इस कविता में वो बेचैनी है, वो पीड़ा है जो आम आदमी की पीड़ा है। उसे रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन उसे जगह नहीं मिलती है, उसे मंदिर का रास्ता दिखा रही है आज की राजनीति, यानी आज की राजनीति पर कठोर हमला है। अपनी कविताओं में, अपने इस संग्रह में कवि प्रेम को भी याद करता है। ममता जयंत ने इस संग्रह में अमृता प्रीतम को भी याद किया है, एक कविता उनके नाम भी है। लेकिन ये खूबियां तो हैं संग्रह में, इनकी कविताओं में कुछ कमियां भी हैं। मसलन पतंगें इनकी एक कविता है, बुनावट में बेहद कमज़ोर कविता, इस संग्रह की बहुत कमज़ोर कविताओं में ये है। आकाश में उड़ती पतंगें नहीं जानती अंकुश का अर्थ, वे जानती हैं खुली हवा में विचरना और छूना आसमान की ऊंचाइयों को। रचनाकार इन पंक्तियों को लिखते समय भूल जाती हैं कि पतंग की डोर हमेशा किसी और के हाथ में है, वो आज़ाद नहीं है। हालांकि अपनी बाद की पंक्तियों में उन्होंने खुद भी लिखा है, पतंगें नहीं जानती लूटने मिटने का, कटने का अर्थ, वे देखना चाहती हैं दुनिया को ऊंचाई से, उनको उनका ऊंचा नीचा होना निर्भर है मुट्ठी में कसे धागे के तनाव पर, यानी अंततः ये दूसरे के हाथों नियंत्रित हो रही हैं, अपनी कही बात को ही ममता काट जाती हैं। ऐसी ही कई और कमज़ोर कविताएं इसमें दिखी हैं, लेकिन इन कमज़ोर कविताओं के बावजूद संग्रह मजबूत बनता दिखता है। ममता पेशे से अध्यापक हैं, और एक अध्यापक वही होता है जो उम्र भर सीखता है, वह बच्चों को सिखाता है, बच्चों से सीखता है। ममता कविता रचती हैं और कविता रचने के साथ साथ परिपक्व होती भी दिखती हैं, लेकिन कुछ अपरिपक्व कविताएं हैं जिन पर उन्हें फिर से विचार करना चाहिए, इस पड़ाव से उनको आगे बढ़ना चाहिए। इसे इस संग्रह को छापा है समय प्रकाशन ने, और इसकी कीमत 250 रुपये है।